बड़वानी जिले के नांगलवाड़ी में कोविड 19 के वैक्सीन लगाने के लिए लोगों में जागरूकता बड़ी तेजी से आ रही है। नांगलवाड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सोमवार को वैक्सीनेशन लगाने का कार्य किया गया, जिसमें 45 साल से अधिक आयु के महिला और पुरुषों को टीका लगाया गया। इस दौरान नागरिक बड़ी उत्सुकता के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और एक दिन में 200 वैक्सीन लगाए गए, जबकि विभाग द्वारा 120 का निर्धारित लक्ष्य अस्पताल को दिया गया था। श्री भिलटदेव सेवा समिति के अध्यक्ष दिनेश यादव ने वैक्सीन लगाया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है। इस संबंध में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर A.M. सिसोदिया ने बताया कि लोगों में लगातार कोरोना वैक्सीन लगाने की जागरूकता आ रही है, यह पूर्णतः सुरक्षित है। नागलवाड़ी से हीरालाल सोलंकी की रिपोर्ट। हाँ, आज हमारे नागलवाड़ी PHC के हमने कोविड का टीका लगवा सेशन रखा था। 45 से ऊपर हम लोगों को 120 का टारगेट मिला था, उसके आगे हमने 200 डोज हमको जो मिले थे पूरे आज ख़त्म हो गए। बहुत अच्छा यहाँ पे माहौल देखने को मिल रहा है, लोगों में जागरूकता है और आगे भी हमारा जो अभी वैक्सीन का सेशन लगेगा, कल मंगलवार बुधवार छोड़ के हम लोग लगाते हैं, तो मंगलवार और शुक्रवार हमारा जो बच्चों का टीकाकरण रहता है, तो हमारा बुधवार को भी यहाँ पे रहेगा टीकाकरण। आगामी अगला टीका कब लगेगा सर? हम बुध हमारा डेढ़ 6 वीक से 8 वीक के बाद में सेकंड डोज लगाए। अब शुभ नाम क्या लिखते सर? मैं डॉक्टर MS सिसोदिया, चीफ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, राजपुर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।